हेलो बेटा, चलो प्रिज्म में हम लोगों ने मैक्सिमम डेविएशन डील कर लिया था। आई थिंक वो सबको समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद उसमें बात करते हैं मिनिमम डेविएशन की। मिनिमम डेविएशन के लिए क्या कंडीशन आएगी वो कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद फिर हम थिन प्रिज्म पे जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा समझो कि मिनिमम डेविएशन के लिए अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे एक प्रिज्म है और मुझे उसके डेविएशन, ये तुम्हारे एनसीईआरटी में भी गिवन है, बोर्ड में भी पूछा जा सकता है कि मान लो कोई प्रिज्म लिया जाए, इसका प्रिज्म एंगल मैंने कितना मान लिया ए। अब मैं बोलूं कि इसमें जो रे इंसिडेंट हो रही है, ढंग समझना, मान लो ये रे इंसिडेंट हुई, यहाँ पे नॉर्मल आया, वो रे ऐसे आई, ये नॉर्मल आया और वो रे ऐसे बाहर निकल गई। ठीक है, ये एंगल क्या होता था याद है ना हमको, आई वन। इस एंगल को हमने क्या माना था, आई टू। इस एंगल को हमने आर वन, इस एंगल को हमने आर टू। ये सब बात सबको पता है, पक्का बताओ डेविएशन का फॉर्मूला क्या था। डेविएशन इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू माइनस ए। ये हमारे पास जनरल डेविएशन था। हमने मैक्सिमम डील कर लिया था, याद करो जब हमने डेल्टा मैक्स निकाला था तो उस केस में हमारा ये हुआ था कि 90 प्लस आई टू माइनस ए आया था, और आई टू की वैल्यू हमने बड़े वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट करी थी। समझ में आया था, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब मैं बात कर रहा हूँ कि डेल्टा मिनिमम क्या होना चाहिए। डेल्टा मिनिमम जब हम कैलकुलेट करेंगे, यानी जो हमारा लाइक डेविएशन है वो मिनिमम हो। देखो इसका प्रूफ मैंने पूरी बुकलेट में दिया हुआ है, इसका प्रूफ हम यहां पर डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि अननेसेसरी वो कहीं पूछा नहीं जाता है। ठीक है ना, बस एक कंडीशन ही लिख जाती है फॉर मिनिमम डेविएशन की, वही कंडीशन हमें डील करनी है। लेकिन अगर फिर भी कुछ लोग करना चाहें तो वो, मैं इक्वेशन बना देता हूं, तो मुझे बताओ एक इक्वेशन ये बनेगी तुम्हारे पास, ये बात तो तुम्हें समझ में आ ही रही है। एक इक्वेशन बनेगी तुम्हारी आर वन प्लस आर टू इज इक्वल टू ए, और अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन है, तो बताओ पहले सरफेस के लिए अगर हम इस नेचुरल लगाएंगे तो वो हो जाएगा म्यू वन साइन ऑफ आई वन इज इक्वल टू म्यू टू साइन ऑफ आर वन। दूसरे के लिए लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा म्यू टू साइन ऑफ आर टू इज इक्वल टू म्यू वन साइन ऑफ आई टू। ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन, ये तीसरी इक्वेशन और ये फोर्थ इक्वेशन। मैं तुम्हें अभी भी बोल रहा हूं कि उसके प्रूफ हमने बुकलेट में मैंने पूरे एक एक लाइन किया है, और मैं चाहता हूं अब वहां से देखो। मैं आपको केवल इतना बोल रहा हूं कि अगर कुछ लोग करना चाहते हैं, उसकी जरूरत भी नहीं है, वो मैंने तो लिख दिया है थोड़ा ऐसे ही कि हाँ भाई चलो बच्चों को लगे कि पूरा प्रूफ किया गया, बाकी उसका कोई मतलब नहीं है, वो किसी भी एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। देखो कैसे किया जाता है, मैं थोड़ा सा तुम्हें आइडिया देता हूं। ये डेल्टा है, अब तुम्हें ये मिनिमम चाहिए, तो तुम बताओ आई वन और आई टू तो वेरिएबल है, ये तो कांस्टेंट है, तो हम लोग कहते हैं कि डी ऑफ डेल्टा आई वन, ये करेंगे तो ये क्या हो जाएगा वन। देखो ये वन हो गया, ये वन हुआ, और प्लस डी आई टू बाई डी टी डी आई वन, और इसका हो गया जीरो, ये आ जाएगा। फिर इसको भी ऐसे डिफ्रेंशिएट करो, फिर ये नंबर क्या होना चाहिए, देखो अगर ये मिनिमम है तो दिस नंबर इज जीरो, फिर इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन, बहुत सारा चीज यूज किया जाएगा, एंड यूज करने के बाद सब फाइंड किया गया। और ये सब इक्वेशंस को, इन चारों इक्वेशंस को यूज करके जब फाइंड करते हैं तो डेल्टा मिनिमम की कंडीशन बनती है। अगर डेल्टा मिनिमम होना है तो ये कंडीशन तभी पॉसिबल है जब आई वन इक्वल टू आई टू हो जाए। याद रखना इन चारों इक्वेशन को यूज करके ये बात प्रूव करी जाती है, और उसके प्रूफ की हमें कोई जरूरत नहीं है। तो इसलिए डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू, जब हमें डेल्टा मिनिमम कैलकुलेट करना होगा तो यानी ये एंगल और ये एंगल सेम होना चाहिए, पक्का। अब अगर ये दोनों एंगल सेम है तो क्या मैं इसको आई लिख सकता हूं। अब जरा सोच के देखो, अगर आई वन आई टू सेम है, यानी ये और ये सेम है, तो ये एंगल है आर वन और ये एंगल है आर टू, तो ये भी दोनों सेम होंगे। तो अगर ये दोनों इक्वल हो रहे हैं तो ये करेस्पॉन्ड करेगा आर वन इज इक्वल टू आर टू, और इसको मैं मान लेता हूं आर के बराबर, पक्का। तो अब जरा सोच के देखो, अगर ये दोनों इक्वल हो गए, ये बात ध्यान रखना, तो अब तुम ये एक बात कह सकते हो, और ये भी इक्वल है दोनों, तो तुम ये कह सकते हो कि आर वन प्लस आर टू इज इक्वल टू ए होता है। तो आर वन आर वन वो किसके बराबर है, आर वन और आर टू किसके बराबर, आर के। तो इसका मतलब ये हो गया टू आर इज इक्वल टू ए, इसका मतलब आर इज इक्वल टू हो गया ए बाई टू। ये बात तुम्हें याद रखनी है, पक्का। अब जरा सोच के देखो, अगर मैं डेल्टा मिनिमम की बात करूं तो डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू, यानी आई वन आई टू दोनों आई के बराबर है। तो जरा डेल्टा की वैल्यू देखो, आई वन प्लस आई टू इज माइनस, आई वन प्लस आई टू माइनस है, तो आई वन
प्लस आई वन, मतलब कि आई वन प्लस आई टू दोनों सेम है, तो आई प्लस आई माइनस ए, और माइनस ए ये रहा, यानी यहां पे रख देते हैं। ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? दिस इज माइनस ए, कोई डाउट नहीं है। तो जरा सोच के देखो, यहां से आ गया डेल्टा मिनिमम इज इक्वल टू टू आई माइनस ए, तो यहां से आई कितना आ गया, डेल्टा मिनिमम प्लस ए डिवाइडेड बाई टू, ये आई की वैल्यू निकाली मैंने। पक्का सबको समझ में आ रहा है? अब देखो इसको मैं थोड़ा सा और सॉल्व करूंगा ताकि मैं तुम्हें उस फॉर्मूले से रिलेट कर पाऊं। ये क्लियर है? मैं इसको हटा रहा हूं, ये सबने कर लिया है। देखो इसको कैसे लिखा जा सकता है, और एक बात समझना ढंग से। देखो अगर तुम इस जगह पे स्नेस लगाओ तो बेसिकली आर वन तो आर के बराबर और आई वन वो है, तो क्या लिखोगे, म्यू वन साइन आई वन इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर वन। अब जरा तुम एक बात सोच के देखो, ये तुमने वैल्यू रखी है आई वन आई टू की, देखो तो ये हो जाएगा म्यू वन साइन ऑफ आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन ऑफ आर, तो यहां से साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन साइन आर, आर की जगह वैल्यू क्या रख दोगे, ए बाई टू, तो साइन ऑफ ए बाई टू। ये समझ में आई की वैल्यू क्या थी, साइन आई की वैल्यू, देखो यहां है वहां आई लिखा हुआ है, तो अगर हम उस जगह पे दोनों जगह साइन ले लें, यहां देखो अगर हम दोनों तरफ साइन ले लें तो ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ आई इज इक्वल टू साइन ऑफ डेल्टा मिनिमम प्लस ए डिवाइडेड बाई टू। ये समझ लेना सब लोग, पक्का ये साइन लिखा है, समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? तो साइन आई की वैल्यू यहां पे पुट कर सकते हैं, तो उसकी जगह मैं क्या लिखूंगा जरा देखो, वहां आ जाएगा साइन ऑफ डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई टू, ये आया कि नहीं आया, एंड दिस इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन साइन ऑफ ए बाई टू। यहां से म्यू टू निकालो, ये ऊपर आ जाएगा ये नीचे आ जाएगा, तो म्यू टू इज इक्वल टू म्यू वन, ये ऊपर आ गया, साइन ऑफ डेल्टा मिनिमम प्लस ए बाई टू डिवाइडेड बाई साइन ऑफ ए बाई टू। अब ये तुम्हारे पास तुम्हारी एनसीईआरटी में भी गिवन है, ये फॉर्मूला तुम्हें याद रख लेना है कि डेल्टा मिनिमम होगा तो, लेकिन इसके लिए बेसिक कंडीशन क्या याद रखनी है। कई बार ऑब्जेक्टिव सीधे सीधे ऐसे ही पूछे जाते हैं कि फॉर मिनिमम डेविएशन तो इंसिडेंट एंगल एंड इमर्जेंट एंगल बोथ आर सेम, ये दोनों सेम होने चाहिए, कि जितना इंसिडेंट एंगल होगा उतना ही इमर्जेंट एंगल होगा, तो उस समय जो डेविएशन हो रहा होगा वो मिनिमम होगा। उसका प्रूफ पूरा बुकलेट में एक पेज में मैंने सॉल्व किया है, तो प्लीज उसको जरूर साथ में रख के देख लेना एक बार, है ना, और अगर उसमें कोई डाउट हो तो मुझे बताना, यहां पे हम उसका प्रूफ करके उसको टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ये बात समझ में आ रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तुम्हारा एक तरह से डेल्टा मिनिमम की कंडीशन निकल आती है कि जब हमें मिनिमम डेविएशन निकालना हो तो हम इस तरह से इसके कैलकुलेशंस करते हैं, और बहुत आसान होता है। ओके, तो तुम्हारा देखो क्या क्या हो गया इसमें, ये जो हम लोग ऐसे प्रिज्म जब कंसीडर करते हैं जिसका प्रिज्म एंगल ए या काफ़ी लार्ज हो, उन सब में हमारे पास पहली कौन सी कंडीशन थी, एक तो नॉर्मल रे इंसिडेंट होती थी, प्रिज्म के अंदर जाती थी और रिफ्रैक्ट करके बाहर निकल जाती थी, पहली सिंपल कंडीशन। फिर नो इमर्जेंस वाला, फिर ग्रेजिंग इमर्जेंस वाला। तो हम लोग एक तरह से रिफ्रैक्टेड रे के ऊपर तीन केस हमने किए वहाँ पे, नॉर्मल निकलना, नो इमर्जेंस यानी बाहर ना निकलना, और ग्रेजिंग निकलना यानी सरफेस से निकलना। ये हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा, फिर हमने मैक्सिमम डेविएशन का भी केस डील किया और फिर मिनिमम डेविएशन का केस डील किया। ये समझ में आ गया? अब हम इसके आगे जब बढ़ेंगे, चाहो तो एक दो क्वेश्चंस मैं करा देता हूं, तुम देख लो थोड़ा तुम्हें समझ आ जाएगा। इवन दैट वो आईआईटी में पूछे गए, बहुत बेकार क्वेश्चन थे, पता नहीं क्यों उन्होंने पूछे। मतलब कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं ना जो आ जाते हैं बाद में हमें रियलाइज होता है कि ये क्वेश्चन क्यों पूछे गए, क्योंकि इतने आसान तो क्वेश्चंस कहीं नहीं पूछे जाते हैं। उन्होंने पता क्या कहा, देखो सुनो, उन्होंने कहा कि एक प्रिज्म लिया गया, इक्विलेटरल प्रिज्म, है ना, कैसा प्रिज्म लिया गया, इक्विलेटरल। इक्विलेटरल का मतलब क्या होता है, जिसके सारे एंगल क्या हो, सेम हो, और वो कितने होने चाहिए, 60 डिग्री, तभी तो हम उसको बोलेंगे कि वो इक्विलेटरल प्रिज्म है। देखो उन्होंने कहा एक प्रिज्म लिया गया ये,
और बोला गया एक रे ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे जा रही। उन्होंने कहा कि इसका डेविएशन डेल्टा है, प्रिज्म एंगल दे दिया गया, कोई बात नहीं डेल्टा। फिर उन्होंने कहा कि ऐसे ही हमने तीन प्रिज्म लिए, कैसे, एक नई असेंबली बनाई और वो असेंबली कुछ ऐसे बनी। पहला, दूसरा, तीसरा, ये आइडेंटिकल है और यही वाले तीनों लगाए गए। उन्होंने कहा फिर से मैंने रे को वैसे ही इंसिडेंट कराया, कैसे इंसिडेंट कराया, जैसे पहले वाले में इंसिडेंट हो रही थी। ये मतलब अगर तुम यहां पे एंगल लेना चाहते हो आई वन तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, तो यहां पे वो उन्हें कितने एंगल पे इंसिडेंट कराया, ये, और ये रिफ्लेक्ट करके बाहर जा रही। तो बोल रहे हैं कि ये तीन प्रिज्म है, सेम सराउंडिंग एयर है और ये इनका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। तो इसमें उन्होंने बोला कि बताओ डेल्टा डेस कितना होगा, मतलब मैक्स जो डेविएशन है वो कितना होगा। देखो ये बहुत छोटी सी बात है, अगर ये इक्विलेटर है तो ये 60 होगा, ये भी क्या होगा 60। तो जिन दो सरफेस से रिफ्रैक्शन हो रहा है वो 60 डिग्री पे इंक्लाइन है। तुम सोचो अगर इसको आगे बढ़ाऊं, इसको भी आगे बढ़ाऊं ऐसे, ये कितना होगा 60। क्यों, ये जितना है वो भी तो इतना है और इनके मीडियम तो सेम ही है ना, तो एक तरह से अंदर तो सेम ही मीडियम, ये भी ये भी ये भी, तो एक तरह से ये थोड़ा ये प्रिज्म छोटा है, ये काफी बड़ा बना दिया, साइड बड़ी कर दी। तो बताओ इसमें भी डेविएशन क्या हो जाना चाहिए, डेल्टा। सिंपल लॉजिक, कोई डाउट तो नहीं है, पक्का समझ में आ रहा है, यही तरीका फॉलो करना। हाँ कुछ नालायक होते हैं, बोलेंगे सर जितना इधर मुड़ी है उतना इधर ये फिर से चली गई, फिर उससे मिली, तो भी एक ही बात है, मतलब ये जितना बेस की तरफ आएगी ये फिर से उसको उल्टा बेस की तरफ मोड़ेगा, तो एक तरह से यही वाली रे हो जाएगी, फिर उस वाले से लास्ट वही बाहर निकलेगी, तो उसी तरह का लाइक डेविएशन होगा जैसा कि एक सिंगल से हो रहा था। तीन ऐसे कभी अरेंज कर दिए जाए मटेरियल के, तो ये होता है। और देखो ये आईटी में आ चुका है, तुम सोचो एक क्वेश्चन उन्होंने और पूछा, पता कैसा, देखो ये उन्होंने कहा ये प्रिज्म है, प्रिज्म एंगल ए मान लिया, ये एक लाइट इंसिडेंट हुई, वो यहां गई और यहां जाने के बाद यहां गई, इसको बोला कि ये ए बी है, ओहो दिस इज बी, ये सी और ये डी, और इसको बोला ये एक्स वाई है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि फॉर डेल्टा मिनिमम, ये इक्विलेटरल प्रिज्म है ध्यान रखना, दिस दिस एंड दिस ये सब सेम है, बल्कि मैं कह रहा हूं ए 60 मान लो, ठीक है, इक्विलेटरल प्रिज्म, ये भी 60 है, ये भी 60 है, ऐसा माना, ठीक है। तो उन्होंने कहा डेल्टा मिनिमम बताना है, तो ये कह रहे हैं डेल्टा मिनिमम, फॉर मिनिमम डेविएशन, फॉर डेल्टा मिनिमम उन्होंने कहा चार ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन ए बी पैरेलल टू एक्स वाई, दूसरा ऑप्शन बी सी पैरेलल टू एक्स वाई, तीसरा ऑप्शन सी डी पैरेलल टू एक्स वाई, है ना, और लास्ट अपना फेवरेट None of these, कौन सा सही होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो सोचो जरा, अगर ये रे इसके पैरेलल हो जाए तो सोच इस पे और इस पे जो नॉर्मल बनेगा उनका R2 और R1 सेम हो जाएगा, अगर R1 R2 सेम हो गया तो I1 I2 सेम हो जाएगा। एक लाइन का क्वेश्चन था, कुछ था ही नहीं, बकवास था, ये आंसर है। मतलब ये बच्चों जैसे क्वेश्चन थे यार, ये आ चुके हैं नीट जेई में, तुम पेपर देख लेना उठा के IT का मेन्स का, ठीक है, आगे समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब बात करते हैं थिन प्रिज्म की। थिन प्रिज्म कैसे डिफाइन किए जाते हैं, उनमें क्या चीजें होती हैं, वो हमें थोड़ी समझनी है। देखो पहले तो एक तो तुम्हें एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, बेसिकली एक साइंटिस्ट का नाम था, एक होता है ये इनका लॉ था, यह फॉर्मूला तुम समझ सकते हो, क्योशिव लॉ। इसमें इन्होंने बोला था कि म्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई लैम्डा स्क्वायर प्लस सी बाई लैम्डा की पावर 4 डॉट डॉट, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। मतलब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो इस तरह से डिनोट करता है।
अब जब इसको हम कैलकुलेट करते ना ए बी सी की वैल्यू, ये तुम्हारे सिलेबस के बाहर की चीज़ है, ए बी सी सबकी वैल्यू तुम्हें निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट इन सबको कैलकुलेट करने के बाद तुम्हारे पास एक रिजल्ट आता है कि म्यू इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/लैम्डा। तुम बस इतना याद रखो, ये तो मैंने तुम्हें थोड़ा बता दिया कि भाई ऐसा होता है, और वो क्यू सी फॉर्मूला होता है, क्यू सी लॉ होता है, ठीक है ना, ये केन्सी लॉ, ठीक है ना। तो ये हम लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई क्यू सी लॉ क्या है, तो वो ये लिखा है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे बोलते हैं, यानी कि म्यू जब इसको ऐड करते हैं ना इन्फिनिटी तक पूरा मैथमेटिकली, तो ये लगभग लगभग 1/लैम्डा के बराबर आता है, यानी म्यू इज प्रोपोर्शनल टू 1/लैम्डा मैं मान सकता हूँ। इतना तो समझ में आ रहा है, ये मैं पहले भी कर चुका हूँ, कोई इसमें डाउट नहीं है, ठीक है। तो रियलिटी में अगर हम ये कहें तुमसे, थोड़ा मेरी बात सुनना, अगर मैं कहूँ कि मैं रे को कंपेयर करूँ, सपोज मान लो रेड कलर की, तुम बताओ सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, ये सब पढ़ा चुका हूँ मैं, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेड कलर की, तो उसके लिए म्यू सबसे कम होगा। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि वेवलेंथ ऑफ रेड कलर इज ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ वायलेट कलर, ये बात समझ में आ रही, अभी इन दोनों में कंपेयर करते हैं क्योंकि ये सबसे ज़्यादा वेवलेंथ और ये सबसे कम, याद है ना, ये मैं बता चुका हूँ तुम्हें एक बार, याद है उसमें बताया था विजन पूरा, कि जो हमारा विजुअल रीजन होता है उसमें डिफाइन की थी ये चीज़, समझ में आ रहा है। अगर ये लिखा है तो तुम मुझे बताओ, अगर मैं बोलूं कि म्यू ऑफ रेड कलर, तो उसको तुम किसके प्रोपोर्शनल करोगे, 1/लैम्डा ऑफ रेड कलर, पक्का। अगर मैं तुमसे कहूं कि म्यू ऑफ वायलेट कलर इज प्रोपोर्शनल टू 1/लैम्डा ऑफ वायलेट कलर, अब अगर देखा जाए तो आर वेवलेंथ किसकी ज्यादा है, रेड कलर की, तो बताओ ये किसको इंप्लाइज करेगा, ये इंप्लाइज करेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड कलर इज लेस देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट कलर। ये रिजल्ट याद रखना, इसमें कभी कोई कंफ्यूजन मत करना, यानी जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसका म्यू कम हो जाएगा, जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसका म्यू ज़्यादा हो जाएगा, ये वायलेट कलर की वेवलेंथ है, बोलो पक्का। तो हमें कोई डाउट नहीं है, तो 7 कलर की वेवलेंथ हमें पता होती है किसकी ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा रेड कलर की होती है, फिर कम होते 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 सबसे कम किसकी हो जाती है, वायलेट कलर की। तो वायलेट कलर की अगर वेवलेंथ सबसे कम है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होगा, ये बात सबको समझ में आ रही है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा एक छोटा सा टर्म था, तो अभी तुम्हें बताएं, एक क्यूसी फॉर्मूला जरूर याद रखना, एक क्यूसी लॉ याद रखना जो ये होता है, इसका पूरा प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं, इन सब की वैल्यूज डाल के जब अल्टीमेटली कैलकुलेट किया जाता है तो लगभग म्यू इज प्रोपोर्शनल टू 1/लैम्डा आता है, ये इन्फिनिटी तक सीरीज को ऐड किया जाता है, ठीक है, ये हमें समझ आ गया। अब हम बात करेंगे थिन प्रिज्म की, क्योंकि जितने भी तुमने देखा होगा कि तुमने वो देखा है स्केल, देखा है अगर जो तुम लाइनिंग खींचते हो प्लास्टिक वाला स्केल जो तुम्हारे घर पे होता है ना, वो स्केल तुम अगर सामने से देखो तो तुम्हें ऐसे नजर आता है, नलायको समझना, मतलब गंदा सा बना है बट तुम समझ जाओ, स्केल लेना और उसको ऐसे लगाना तो तुम्हें ऐसे ही नजर आएगा। तो देख ये एक तरह से छोटा प्रिज्म बन जाता है, इतना पोर्शन देखो ये और ये। बचपन में कई बार जब तुम स्कूल जाते होगे तो कभी बारिश होती होगी, धूप निकलती होगी, तो स्केल को ऐसे लगाओ उसके सामने तो तुम्हें 7 कलर नजर आते हैं, देखा ही होगा। तो वो 7 कलर जो नजर आते हैं वो बेसिकली एक वाइट लाइट होती है, वो अपने 7 कलर में डिवाइड हो जाती है, इसको बोलते हैं डिस्पर्जन, इसको क्या बोलते हैं डिस्पर्जन। तो डिस्पर्स हो जाती है अपने 7 कलर में, डिस्पर्स हो जाने का मतलब क्या, डिस्पर्जन। तो डिस्पर्जन अगर हम देखें, डिस्पर्जन को कैसे डिफाइन करेंगे, डिस्पर्जन क्या है उसको भी समझ लेंगे, उसमें तो कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। 7 कलर में यानी लाइट रे का किसी प्रिज्म से अपने 7 डिस्पर्जन, तो इन जनरल डिस्पर्जन का केवल इतना मतलब होता है कि एक वाइट लाइट जो है वो अपने कलर्स में डिवाइड हो जाए, बात समझ में आई, अपने कलर्स में जो उसके अंदर 7 कलर्स होते हैं उनमें डिवाइड हो जाए, यानी अलग अलग कलर बाहर निकले। तो ये लेंस से भी हो सकता है और प्रिज्म से भी हो सकता है, क्योंकि एक तरह से लेंस भी एक प्रिज्म का ही पार्ट होता है, लेकिन लेंस वाला हमारे को सिलेबस में बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता, इसलिए मैंने उसको डिस्कस नहीं किया, अगर चाहोगे तो उसको भी हम लेटर ऑन डिस्कस कर लेंगे, बट प्रिज्म वाले पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और आते भी हैं और आए भी हैं, है ना। तो डिस्पर्जन जो है, तो 7 कलर में डिवाइड होना ही डिस्पर्जन है, डिस्पर्जन क्या है, 7 कलर में किसी भी लाइट को डिवाइड होना, वही क्या हो जाता है डिस्पर्जन। तो इसमें कोई डाउट तो नहीं है, ये सबको समझ में आ रहा है। अब देखो, अब हम बात करें, ये सबको क्लियर हो गया, अब मैं थिन प्रिज्म की बात करता हूँ, डिस्पर्जन का भी टर्म आएगा, उसको भी देखते हैं कैसे उसको डील करना, बट थोड़ी बात समझो, हमने तुम्हें बता दिया कि भाई वेवलेंथ का और म्यू का क्या रिलेशन है, उसको कैसे डील किया जाता है, और उसके बाद थोड़ा और आगे समझते हैं और चीज़ों को ध्यान देते हैं। मान लो मैं तुमसे ऐसे कहूँ
कि अगर एक थिन प्रिज्म लिया जाए, थिन प्रिज्म का मतलब क्या हुआ? अगर हम बोले कि भाई हमने बहुत थिन प्रिज्म ले लिया है, अब थिन प्रिज्म का मतलब हुआ प्रिज्म एंगल क्या, ए क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। थिन प्रिज्म का मतलब क्या, ए बहुत स्मॉल होना चाहिए। अब तुम सोच के देखो, अगर एक लाइट रे ऐसे आए, प्लीज समझना, वो ऐसे जाएगी फिर वो ऐसे बाहर निकलेगी, है ना। इसमें तुम, मैं बना नहीं रहा हूं बहुत ज्यादा, बट तुम्हें समझना, तुम मुझे बताओ इसमें आई वन एंड आई टू, ये इंसिडेंट एंगल होता था, ये इमर्जेंट एंगल होता था यहां पे, और इनके करस्पॉन्डिंग आर वन और आर टू भी आते थे, ये हमें पता है। तो मुझे बस बहुत सोच समझ के बताना, आर वन प्लस आर टू इज इक्वल टू ए होता है। मैं तुम्हें पहले भी कहा था ये फॉर्मूला बहुत जगह काम आएगा। अब सोच, अगर ये बहुत स्मॉल है, बात समझना, अगर तुम इसको बहुत स्मॉल ले रहे हो, तो ये नंबर और ये नंबर इंडिविजुअली भी तो बहुत स्मॉल होंगे। तुम सोच के देखो, अगर ये स्मॉल है तो ये भी दोनों तो स्मॉल होंगे, और अगर ये स्मॉल है तो इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारा आई वन होगा वो भी तो स्मॉल होगा, और इसके करस्पॉन्डिंग जो आई टू होगा वो भी स्मॉल होगा। अब जो ये बात तुम्हें समझ में आनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि थिन प्रिज्म क्या मतलब होता है, थिन प्रिज्म का मतलब होता है कि ए बहुत स्मॉल लेना, ये बात हमें समझ में आनी चाहिए। अगर हम थिन प्रिज्म की बात करेंगे तो ए को क्या होना चाहिए, बहुत ज्यादा स्मॉल होना चाहिए, ये बात सबको समझ में आती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब जरा तुम ढंग से ध्यान दो, अगर मैं इस जगह पे स्नेल से लगाऊं, ठीक है, तो मैं तुम्हें क्या बोलूंगा, म्यू वन साइन आई वन इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर वन, क्योंकि ये एंगल होता है आर वन और ये होता है आई वन। इतना हम लिख नहीं रहे, बस आपको बता रहे, ठीक है। अगर आई वन कॉमा आई टू कॉमा आर वन एंड आर टू, ये सब बहुत स्मॉल एंगल है, ये बात हमें पहले से ही पता है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। अब सोच के देखो, अगर ये दोनों स्मॉल एंगल हैं, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं, ढंग से ध्यान देना, इसको लिख सकता हूं म्यू वन आई वन इज इक्वल टू म्यू टू आर वन, ये पहले क्वेश्चन से हो गई। अच्छा, अगर तुम यहां पे स्नेल से लगाओ तो लिखोगे म्यू टू साइन ऑफ आर टू इज इक्वल टू म्यू वन साइन ऑफ आई टू, स्मॉल एंगल है तो इसका मतलब म्यू टू आर टू इज इक्वल टू म्यू वन आई टू, बोलोगे डाउट तो नहीं है, सबको मेरी बात समझ में आ रही है। अच्छा, एक ये इक्वेशन तुमने बना ली स्मॉल एंगल को डील करके, एक ये इक्वेशन तुमने बना ली स्मॉल एंगल को डील करके, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तुम जरा सोच के देखो, डेविएशन होता क्या था, डेविएशन इज इक्वल टू होता था आई वन प्लस आई टू माइनस ए, अंडरस्टैंड। देखो आई वन की वैल्यू यहां से निकालो कितना होगा, जरा देखो आई वन अगर मैं यहां से कैलकुलेट करूं तो आई वन इज इक्वल टू आएगा म्यू टू अपॉन म्यू वन इंटू आर वन, समझ में आया। और यहां से अगर तुम आई टू निकालो तो आई टू इज इक्वल टू होगा म्यू टू आई टू, ये निकालना है, इसको डिवाइड कर दो तो म्यू टू अपॉन म्यू वन और आर टू, ये दोनों वैल्यू उठा के यहां रखो तो डेल्टा इज इक्वल टू आ गया म्यू टू अपॉन म्यू वन आर वन प्लस म्यू टू अपॉन म्यू वन आर टू माइनस ए। That means mu 2 upon mu 1 बाहर ले लिया जाए तो ये क्या बन जाएगा, R1 plus R2, ये अलग आ गया और माइनस ए, ये वैल्यू भी तो itself A ही है, ये R2 है, ध्यान रखना, ठीक है। तो that means mu 2 upon mu 1 और ये क्या बन गया A माइनस A। अब जरा इसको देखो, ए बाहर ले लो तो म्यू टू अपॉन म्यू वन माइनस वन इंटू ए, दिस इज नोन एज डेल्टा। अब अगर मैं तुमसे कहूं कि म्यू वन की वैल्यू वन मान ली जाए, यानी एयर हो जाए बाहर, और म्यू टू की वैल्यू म्यू मान ली जाए, तो जरा ये फॉर्मूले को देखो, डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस वन इंटू ए, दिस इज द जनरलाइज फॉर्मूला फॉर थिन प्रिज्म। तो एंगल ऑफ डेविएशन फॉर थिन प्रिज्म इज म्यू माइनस वन
इनटू ए। अब सोचो अगर मैं बोलूं कि एक थिन प्रिज्म है, ठीक है, तो उसका जो एंगल ऑफ डेविएशन है डिपेंड्स ऑन ए। अगर मैं एंगल ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म इंक्रीज करता जाऊंगा तो क्या डेल्टा इंक्रीज करता जाएगा, ये सारे पॉइंट बुकलेट में लिखे हैं। क्या मैं म्यू इंक्रीज करता जाऊं, मटेरियल इसका इंक्रीज करता जाऊं, तो क्या डेल्टा इंक्रीज करता जाएगा? यस, इंक्रीज करता जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सोच के देखो, क्या इंसिडेंट रे पे डिपेंडेंट है, क्या रिफ्रैक्टेड रे पे डिपेंडेंट है? कोई डिपेंडेंसी नहीं है, सीधे सीधे म्यू माइनस वन, कहीं से रे आ रही हो कहीं जा रही हो कोई फर्क नहीं पड़ता उसके ऊपर। किस पे डिपेंडेंट क्वांटिटी है? डिपेंडेंट ऑन व्हाट? म्यू एंड ए, प्रिज्म एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल जिससे वो प्रिज्म बनाया गया। हाँ, सराउंडिंग पे डिपेंडेंट होता है, क्योंकि अगर तुम देखो सराउंडिंग का मीडियम अगर अलग है तो उस पे डिपेंडेंट है। देखो देखो देखो, ये बात समझ में आई कि नहीं? तो डेल्टा थिन प्रिज्म का ये होता है। ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पक्का कोई डाउट नहीं है बेटा, बिल्कुल क्लियर है। तो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और चीजों को थोड़ा और समझते हैं। तो ये जो अभी मैंने आपको थिन प्रिज्म के बारे में बताया कि थिन प्रिज्म के लिए जो डेविएशन लिखा जाएगा वो ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो आपको ऐसे बोला जाए, सपोज मान लो, चलो ना एक छोटा सा क्वेश्चन दे देते हैं। चलो तुम्हारे लिए एक होमवर्क है ना, छोटा सा, ये है ए और ए की वैल्यू है 4 डिग्री, ठीक है। यहाँ लगा है एक प्लेन मिरर, ठीक, एक रे ऐसे इंसिडेंट हो रही है, दिस वन, ठीक है, पैरेलल आ रही है इसके, ये ओरिजिनल है, ठीक है, इसके पैरेलल आ रही है, ये वाली रे इसके पैरेलल है और फिर वो ऐसे जाती है, ठीक है, और फिर वो ऐसे रिफ्लेक्ट करके वापस आ जाती है, ठीक। ये प्लेन मिरर है, प्रिज्म एंगल दिया गया है, म्यू की वैल्यू 3/2, ए ये मान लो एक्स वाई और इसको मान लो रे है कुछ जेड, तो जेड इज पैरेलल टू एक्स वाई, या इंसिडेंट रे मान लो ना यार, इंसिडेंट रे किसके पैरेलल है? एक्स वाई प्लेन के, ठीक है। तो आपको बताना है नेट डेविएशन, ये होमवर्क है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, करके बताना मुझे। होमवर्क के क्वेश्चन मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूं क्योंकि लोग मुझे जब तक सॉल्व करके नहीं भेजेंगे तब तक डिस्कशन उनके नहीं होंगे। मुझे कम से कम 10-15 लोग सॉल्व करके भेजे तो उसका डिस्कशन करूंगा। दो लोगों के अभी आंसर आए उस पर लास्ट लेक्चर में जो मैंने दिए थे कुछ क्वेश्चन, दो या तीन लोग बस, बाकी सब लोग तो नालायकी कर रहे हैं। देखो अब बात करेंगे डिस्पर्जन हम कैसे डिफाइन करें और उसको किस तरीके से हम लें। तो डिस्पर्जन का मतलब क्या है जरा समझो, कोई भी प्रिज्म, आपको एक थिन प्रिज्म दिया जाए, ठीक है, ये प्रिज्म एंगल क्या हो गया ए, इसमें अगर एक लाइट इंसिडेंट होती है ये, तो वो लाइट रे यहां से ऐसे आएगी फिर ऐसे जाएगी, ऐसे आएगी ऐसे जाएगी। अब आप बोलोगे ये क्या कर रहे हैं, ऐसे आएगी ये जाएगी, मे बी ऐसे आए और ऐसे जाए, मे बी ऐसे आए ऐसे जाए, मे बी ऐसे आए ऐसे जाए, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये अपने 7 कलर, ये इंसिडेंट लाइट थी और ये 7 कलर में डिवाइड हो जाती है। देख लेना कितने कलर हो गए, शायद एक आध कम होंगे तो और बना लेते हैं। ये लाइट सपोज, ठीक है, तो इसमें सबसे ऊपर क्या होता है, रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू इंडिको और वायलेट विप ग्योर, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसे ये कलर्स में डिवाइड हो जाती है। तो कोई भी लाइट जो अपने 7 कलर में डिवाइड होती है उसी को बोलते हैं डिस्पर्जन। सो क्या बोलते हैं,
डिस्पर्जन, कोई भी लाइट अगर 7 कलर में डिवाइड होगी तो उसको क्या बोला जाएगा? डिस्पर्जन। ये इंसिडेंट लाइट रही थी, पक्का? तो इसको बोलते हैं डिस्पर्स हो जाना। अपने 7 कलर में कोई भी लाइट अगर डिस्पर्स हो जा रही है, ठीक है, तो उसको डिस्पर्जन बोला जाता है। अब मेन लॉजिक क्या है इसका, तो मुझे बताओ, अगर मैं कहूं कि रेड कलर वाली लाइट का डेविएशन कितना होगा, तो तुम क्या करोगे रेड कलर के लिए डेविएशन निकालने के लिए? तुम जरा सोच के देखो, इसको तुम आगे बढ़ाओगे। अच्छा, तुम्हें ये पता चला वायलेट सबसे नीचे क्यों आई है? क्योंकि वायलेट कलर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो रेड कलर से ज्यादा है। तुम सोच के देखो ना, इसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा। तो वो अगर ये इस प्रिज्म के लिए जिसका म्यू सबसे ज्यादा हुआ वही तो नीचे आएगी। क्यों? क्योंकि डेल्टा इज इक्वल टू, तुम क्या लिखते हो, म्यू माइनस वन इंटू ए। जिसका म्यू सबसे ज्यादा वही तो डेविएशन सबसे ज्यादा लेगी। तो वायलेट कलर का म्यू सबसे ज्यादा, रेड कलर का सबसे कम, इसलिए रेड सबसे ऊपर रहा, वायलेट सबसे नीचे रहा। इसी तरह से ऑर्डर में अरेंज हो गया अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ और अकॉर्डिंग टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डिफरेंट वेवलेंथ। बात समझ में? डिफरेंट कलर इवन दैट। तो अब सोच के देखो, अगर ये वाली लाइट रे यहां जाना चाहती थी, कहां जाना चाहती थी? यहां, ठीक है। तो रेड कलर वाली लाइट यहां गई है, यानी इसको पीछे बढ़ाओ। तो बताओ रेड कलर के लिए डेल्टा क्या हो गया? डेल्टा ऑफ रेड ये रहा, वायलेट कलर वाली लाइट यहां, इसको पीछे बढ़ाओ, ये यहां जाना चाह रहे थे। तो अब जरा देख, इससे ये हो गया वायलेट कलर के लिए दिस वन, ये क्या हुआ? डेल्टा ऑफ वी, पक्का। और येलो कलर ये रहा, तो येलो कलर के लिए भी निकाल लेते हैं, उसके लिए भी थोड़ी देर बात करूंगा। वो क्या? ये है येलो कलर के लिए, पक्का? समझ आया कि नहीं? इसमें एक टर्म डिफाइन किया जाता है और उसको बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्जन। एंगुलर डिस्पर्जन को हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं, एंड दिस इज एंगुलर डिस्पर्जन इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ वायलेट कलर माइनस डेल्टा ऑफ रेड कलर। अब जरा तुम सोच के देखो, अगर मैं तुमसे कहूं कि यहां पे तुम डेल्टा ऑफ रेड कलर लिखो, तो डेल्टा ऑफ रेड कलर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड कलर माइनस वन इंटू प्रिज्म एंगल। अगर मैं डेल्टा ऑफ वायलेट कलर बोलूंगा तो दिस द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट कलर माइनस वन इंटू ए। अगर मैं डेल्टा ऑफ येलो कलर बोलूंगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ येलो कलर माइनस वन इंटू ए। कोई डाउट तो नहीं? तो एंगुलर डिस्पर्जन का मतलब ये हुआ कि इसको अगर मैं आगे बढ़ाऊं ये, और अगर मैं इसको रेड वाले को आगे बढ़ाऊं ये, ढंग से समझना ये, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो थीटा है। दिस इज एंगुलर डिस्पर्जन। वायलेट कलर वाली रे ये जा रही है, तुम्हें अंडरस्टैंड हो रहा होगा, इसको थोड़ा नीचे ले आना, जस्ट लाइक दिस वन। समझ आ रही है मेरी बात? ये है कौन सी रे? वायलेट कलर वाली। ये कौन सी रे है? जो रेड कलर का है। और इन दोनों के बीच के एंगल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एंगुलर डिस्पर्जन। कितना एंगुलर? रेड यहां थी, वायलेट यहां आई, तो एंगुलर डिस्पर्जन ये। दिस इज थीटा। तो दिस इज डेल्टा ऑफ वाई माइनस डेल्टा ऑफ रेड। जरा वैल्यू डालो, देखो जरा वैल्यू, वायलेट कलर की वैल्यू क्या है? म्यू ऑफ वी माइनस वन इंटू ए माइनस म्यू ऑफ रेड माइनस वन इंटू ए। अदर मल्टीप्लाई करो तो देखो, ये म्यू ऑफ वी इंटू ए, देख ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये उड़ जाएगा, तो माइनस म्यू ऑफ रेड कलर और ए बाहर आ जाएगा। दिस इज नोन एज एंगुलर डिस्पर्जन। इसको क्या बोलते हैं? एंगुलर डिस्पर्जन। ये आगे बहुत सारा काम आएगा। तो पहले तो कोई भी लाइट अगर एक थिन प्रिज्म से जाएगी तो अपने वो 7 कलर में, 7 कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएगी। वेव ग्योर बनता है, ऊपर सबसे रेड आता है क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे कम, सबसे ज़्यादा होती है, और उसका म्यू सबसे कम होता है। जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी उसका म्यू सबसे कम होगा, और अगर म्यू सबसे कम होगा तो इसका मतलब उसका डाइवर्जन कम होगा, क्योंकि डेल्टा उसी पे डिपेंडेंट है। ये बात समझ में आई? थिन प्रिज्म के लिए वैलिड है, ये बात समझ में आ रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब एक टर्म और रिलेट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर क्या है? जैसे ये लिखा है ना तुम्हारा एंगुलर डिस्पर्जन, तो डिस्पर्सिव पावर को ओमेगा से डिफाइन किया जाता है। दिस इज ओमेगा, एंड डिस्पर्सिव पावर इज एंगुलर डिस्पर्जन डिवाइडेड बाई मीन डेविएशन।
मीन का मतलब होता है येलो कलर, येलो येलो कलर को हम लोग मीन में डील करते हैं, हमेशा याद रखना। अगर आपको कहीं पे भी डेल्टा मीन लिखा हो तो वो हो जाएगा म्यू ऑफ येलो कलर माइनस वन इंटू ए, यानी यही होता है डेल्टा ऑफ येलो कलर। ये मान लिया जाता है, मान इसलिए लिया जाता है, इसको तुम चाहो तो थोड़ा ऐसे समझ लो। एक्चुअली बेटा रियलिटी में देखो तो ये लाइनें तो नहीं नज़र आ रही होंगी, कभी भी तुम रैम्बो देखते हो तो तुम्हें उसमें क्या रेड कलर अलग नज़र आता है, क्या येलो कलर अलग नज़र आता है? नहीं नज़र आता है। आप रेड होगा, रेड धीरे 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 ऑरेंज में कन्वर्ट होगा, ऑरेंज धीरे धीरे येलो में कन्वर्ट होगा, येलो धीरे धीरे ग्रीन में, ग्रीन ब्लू में, ब्लू इंडिगो में, और इंडिगो सीधे इसलिए वायलेट कलर में कन्वर्ट होता है। तो आपको एक थिन लाइन नहीं दिखाई देती है। तो जो ये कलर्स में कन्वर्जन होता है, तो येलो कलर ऐसे देखा जाए तो ऊपर दो लाइन, मतलब ये तीसरी लाइन है और नीचे से ये तीसरी लाइन, तो मिड वाला तो ये ग्रे होना चाहिए, लेकिन जो रेड कलर है वो ज्यादा थिकनेस वाला होता है, फिर ऑरेंज उससे कम, फिर उससे येलो, तो येलो ऑलमोस्ट कहां आ जाता है मिड में। तो इसलिए डेविएशन जो येलो कलर का होता है उसको मीन डेविएशन हम लोग बोलते हैं। तो मीन डेविएशन जो है वो हमेशा कैसे लिखा जाएगा, या कई बार मीन डेविएशन को ऐसे लिखते हैं डेल्टा ऑफ रेड कलर और डेल्टा ऑफ वायलेट कलर का सम डिवाइडेड बाय टू इज अ मीन डेविएशन, जो येलो कलर के नियर अबाउट आता है, इसलिए उसको हम ऐसे बोल देते हैं। कई बार लोग ऐसे लिख देते हैं, पता, डेल्टा ऑफ वायलेट प्लस डेल्टा ऑफ रेड डिवाइडेड बाय टू दिस अ मीन विच इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ वाई। ये जनरलाइज फॉर्मूला नहीं है, ये मैं ऐसे मान रहा हूँ कई जगह ऐसा लिखा होता है, बट हम इसको ऐसे ना पढ़ के हम ये समझ सकते हैं कि भाई रेड कलर ज़्यादा थिकनेस का होगा, धीरे 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 ऑरेंज, ऑरेंज धीरे धीरे येलो में, येलो जो होता होगा वायलेट कलर से जो ग्रे कलर का होता है, और जो ऊपर से येलो तो ये मिड में आ जाता होगा, इसलिए इसको मीन डेविएशन बोला जाता है। तो याद रखना ये दिस इज नोन एज मीन डेविएशन। तो अगर हम डिस्पर्सिव पावर डिफाइन करें तो इसको लिखेंगे थीटा। थीटा क्या है? डेल्टा ऑफ वी माइनस डेल्टा ऑफ आर डिवाइडेड बाय डेल्टा ऑफ येलो कलर। ये फॉर्मूला याद हो जाए बहुत अच्छे से। तो इसका मतलब एंगुलर डिस्पर्सिव पावर इसको अगर देखा जाए तो ये क्या लिखा हुआ जरा वहां देखो, वो लिखा है म्यू ऑफ वी माइनस म्यू ऑफ आर इंटू ए और डिवाइडेड बाई म्यू ऑफ वाई माइनस वन इंटू ए। क्योंकि वहां से देखो म्यू ऑफ वाई क्या लिखा है, ये इक्वल कर देना, समझ आ रहा है कि नहीं? बताओ, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो डिस्पर्सिव पावर इज इक्वल टू म्यू ऑफ वी माइनस म्यू ऑफ आर डिवाइडेड बाई म्यू ऑफ वाई माइनस वन। ये है डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला। दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रिज्म एंगल। देखो प्रिज्म एंगल यहां पे नहीं आ रहा है, यानी दिस इज ओनली डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म। तो डिस्पर्सिव पावर इंसिडेंट एंगल पे डिपेंड नहीं करती है, रिफ्रैक्टेड एंगल पे डिपेंड नहीं करती, किसी भी एंगल पे लाओ वो किस पे डिपेंड करती है? मटेरियल। इसके अंदर जो भी मटेरियल है उस मटेरियल पे डिपेंडेंट क्वांटिटी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बात समझ में आई? तो आप ये नीट में याद रखना, कई बार जैसे छोटे से क्वेश्चन होते हैं डिस्पर्सिव पावर इज इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट? इंडिपेंडेंट ऑफ इंसिडेंट रे, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रिज्म एंगल, बट डिपेंड्स ऑन मटेरियल या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल। पक्का? ये थोड़ा ध्यान रखने वाली चीज़ है, तो याद रहे, आपको इसमें कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ओके बेटा, तो आई थिंक ये सबको समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान सी चीज़ थी। ठीक है, अब देखो और आगे देखो, तो डिस्पर्सिव पावर और ये सारे टर्म्स तुम्हें रिलेट हो गए। अब देखो, अगर मान लो मैं तुमसे ये कहूँ कि मैं एक प्रिज्म, तो चलो ये था हमारा कलर में डिवाइड किया, उसके बाद ये, इसमें मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे पार्ट्स हैं, जल्दी से डील हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है, बहुत टाइम टेकिंग नहीं है इसमें, है ना? इसके क्वेश्चंस एक क्लास पूरी डिस्कस करूंगा, क्योंकि इसके क्वेश्चंस अच्छे होते हैं। क्वेश्चन देखो, क्या पता कैसे क्वेश्चन होते हैं, तो मैं दिखाता हूँ। मान लो मैं तुमसे ऐसे बोलूँ कि ये प्रिज्म है, ठीक है, थिन प्रिज्म मान लिया, मैं कोई एंगल एंगल नहीं दे रहा हूँ, ए बहुत स्मॉल है, ठीक है, तुमसे बोला ऐसे लाइट आ रही है, ये, ठीक है। अब मान लो तुमसे ऐसे बोला जाए कि एक लाइट ऐसे आई, ये मान लो, चलो एक मिनट देखो, ये लाइट ऐसे आई और वो ऐसे जा रही है, समझ आया कि नहीं? पक्का? तो मान लो मैंने तुमसे बोला ये लाइट जो है ना, वो लाइट है तुम्हारी ग्रीन कलर की, ग्रीन क्या बल्कि ग्रे मान लो, है ना,
ये कौन सा कलर है? ग्रे कलर है, ठीक है, जो इससे टच करके जा रहा है, ठीक। तो ये वाली लाइट जो है और ये वाली लाइट है, ये कौन कौन सी दो लाइटें हो सकती हैं, प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है इनके होने की? कई बार ऐसा होता है कि हमें ये बोला जाता है कि पूरी लाइट डाली गई, ठीक है, और आपको बोला गया कि ग्रे कलर वाली लाइट जो है वो सफर ग्रेजिंग इमर्जेंस, मतलब वो ग्रेजिंग इमर्जेंस लेते हुए बाहर आ रही है, है ना। तो बताओ वायलेट कलर वाली लाइट क्या कर रही होगी या उसके साथ क्या हो रहा होगा? तो तुम्हें ये बनाए जाते हैं क्वेश्चन, मैं फ्रेम कर दूंगा। तुम सोच, अगर ये वाली लाइट आ रही है, इसका मतलब इसके लिए जो इंसिडेंट एंगल है वो ये है थीटा, ठीक है। सोच ये एंगल थीटा से ही रहा होगा, पक्का रहा होगा ना थीटा से, इतना तो मानते हो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। सोच अगर ये थीटा से रहा होगा, ये अगर ग्रेजिंग जा रही है, ढंग से समझना, अगर ये ग्रेजिंग जा रही है तो सोच जो लाइट वायलेट कलर वाली होगी उसकी तो वेवलेंथ और ज्यादा होगी, सॉरी और कम होगी, तो उसका म्यू और ज्यादा बढ़ जाएगा, तो सोच वो तो सीधे अंदर ही आ जाएगी ना। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर एक प्रिज्म लिया गया है और उसमें मान लो मैं तुमसे बोलूं कि ब्लू कलर वाली लाइन अगर वो ग्रेजिंग है, तो बताओ वायलेट कलर वाली लाइन उधर नहीं जा पाएगी, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सफर कर जाएगी, यानी अंदर आ जाएगी। और अगर मैं बोलूं रेड कलर वाली लाइट है तो वो बाहर चली जाएगी। तो क्या ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं कि हमें एक लाइट कोई हम उसके ग्रेजिंग ले जाएं और बाकी लाइट को, मैं क्वेश्चन कोई नहीं बना रहा था, मैं जैसे एक आइडिया दे रहा था कि इस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है। तुम्हें सीट में ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, करोगे तो तुम्हें मजा आएगी, ठीक है। अब देखो इसी में हम एक और चीज डील कर लेते हैं, तुम्हें थोड़ा समझ में आ जाएगा। दो चीजें पूछी जाती हैं। अगर मैं तुमसे ये कहूं, एक प्रिज्म ये है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन और प्रिज्म एंगल ए वन मान लिया, दूसरा प्रिज्म ये है ए टू और म्यू टू, एक लाइट ऐसे आई, सोचिए ऐसे आएगी तो ये इस तरह से जाएगी यहां, एंड देन आफ्टर ये यहां, एंड देन आफ्टर ये यहां, पक्का ना, कोई डाउट तो नहीं है, समझ आ रहा है? तो सोच अगर मैं बात करूं ये वाली लाइट अगर ऐसे आगे बढ़ाई जाए और इसको अगर हम ऐसे आगे बढ़ाएं तो ये क्या होगा? डेल्टा वन। अच्छा, ये वाली जो लाइट है, ढंग से देखो, ये वाली लाइट ये इस प्रिज्म के लिए क्या है? इंसिडेंट। तो ये ऐसे जानी चाहिए थी, लेकिन ये वाली लाइट रे क्या है? रिफ्रैक्टेड। तो ये ऐसे पीछे बढ़ाओ, तो सोच ये एंगल क्या हो जाएगा? डेल्टा टू। अगर मैं तुमसे कहूं नेट डेविएशन कितना हुआ, नेट डेविएशन कितना होगा, जल्दी बोलो। तो वो ये इधर की तरफ हो रहा है, यानी ये कैसे हो रहा है? ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हम लिख सकते हैं डेल्टा टू माइनस डेल्टा वन या डेल्टा वन माइनस डेल्टा टू, डिपेंड्स कौन सा ज्यादा है, बात समझे? मैंने मान लिया डेल्टा टू ज्यादा है तो मैंने ऐसे लिखा, पक्का ये लिखा जा सकता है कि नहीं? नहीं। अच्छा, इसका अगर तुम फॉर्मूला देखो तो ये हो जाएगा तुम्हारा, ढंग से समझना, म्यू टू माइनस वन इंटू ए वन, सॉरी ए टू माइनस म्यू वन माइनस वन इंटू ए वन। ये जनरलाइज फॉर्मूला बना कि नहीं बना? पक्का। अगर मैं नेट डेविएशन मान लो रेड कलर के लिए मानू, ढंग समझना, नेट डेविएशन किसके लिए मानू? रेड कलर के लिए, तो वो क्या होगा? वो होगा डेल्टा टू ऑफ रेड माइनस डेल्टा वन ऑफ रेड इज इक्वल टू म्यू टू ऑफ रेड माइनस वन इंटू ए टू माइनस म्यू वन ऑफ रेड माइनस वन इंटू ए वन, समझ आएगा नहीं? अच्छा, मैं अगर नेट वायलेट कलर के बोलूं तो डेल्टा टू ऑफ वायलेट कलर माइनस डेल्टा वन ऑफ वायलेट कलर इज इक्वल टू म्यू टू ऑफ वायलेट कलर माइनस वन इंटू ए टू माइनस म्यू वन ऑफ वायलेट कलर माइनस वन इंटू ए टू। सोच ये नेट डेविएशन है रेड कलर का और ये नेट डेविएशन है वायलेट कलर का, पक्का। तो अगर मैं दोनों का एंगुलर डिस्पर्जन देखूं कि दोनों का एंगुलर डिस्पर्जन कितना हुआ, तो मुझे बताओ एंगुलर डिस्पर्जन इज इक्वल टू नेट ऑफ वायलेट कलर माइनस नेट ऑफ रेड कलर। इसका मतलब दिस माइनस दिस,
बोलो पक्का समझ में आ रहा है? तो जब इससे इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो जरा ढंग से देखो ये वैल्यू क्या बचेगी, ये पूरी वैल्यू और ये पूरी वैल्यू, नेट निकाल रहा हूँ दोनों का नेट, पक्का दोनों का। तो तुम मुझे बताओ इसको तुम क्या लिख सकते हो, म्यू ऑफ टू वायलेट माइनस म्यू ऑफ टू रेड बाहर ए टू, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करोगे यार, देख लो ना। हे भगवान, कोई दिक्कत नहीं है यार, ये समझ में आ रही बात। माइनस म्यू ऑफ वन वायलेट कलर माइनस म्यू ऑफ वन रेड कलर इंटू ए वन, सोच समझ के देख लो जो मैंने लिखा है वो बिल्कुल सही लिखा है। जब इससे इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन माइनस तुमने कॉमन ले लिया है तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। ढंग से समझ में आ रहा है? ये क्या है, दिस इज नेट एंगुलर डिस्पर्जन। ये क्या लिखा है, नेट एंगुलर डिस्पर्जन लिखा है। एंगुलर डिस्पर्जन का मतलब क्या हुआ, नेट एंगुलर डिस्पर्जन का मतलब ये हुआ कि फाइनली लाइट रे जो है ना इससे और इसमें देखोगे तो वो सेवन कलर में डिवाइड हो रही। नेट एंगुलर डिस्पर्जन का मतलब हुआ कि वो सेवन कलर में डिवाइड हो रही हुई, तभी तो रेड और वायलेट कलर के बीच में एंगल बन रहा है वो ये है। पक्का समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा, अगर मैं तुमसे कहूं कि डेल्टा ऑफ येलो कलर नेट का, तो तुम ये लिखोगे ना, ये देखो दोनों का डिफरेंस लिखोगे ना, तो क्या लिखोगे, म्यू टू ऑफ वाई माइनस वन ए टू माइनस म्यू वन वाई माइनस वन इंटू ए वन। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है आपको, ये तुम्हें होमवर्क में करना है, ठीक है? दो चीजें करनी है। देखो, ऐसा हो सकता है कि इन दोनों प्रिज्म को ऐसे अरेंज किया जाए कि एंगुलर डिस्पर्जन ना हो। एंगुलर डिस्पर्जन का मतलब यह हुआ कि वाइट लाइट इंटर करे और वाइट लाइट ही बाहर निकले। अगर वाइट लाइट इंटर कर रही और वाइट लाइट ही बाहर निकल रही, इसका मतलब वो डिस्पर्स हुई नहीं, और डिस्पर्स नहीं हुई तो एंगुलर डिस्पर्जन हुआ नहीं, ठीक है? तो अगर पहला केस, अगर थीटा जीरो है तो आपको डेल्टा वाई फाइंड करना है, वो क्या होगा? पक्का ये केस कैसे बोला जाता है, ये बोला जाता है कि मीन डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन। डिस्पर्जन का मतलब अगर विदाउट डिस्पर्जन, यानी डिस्पर्जन नहीं हुआ है और डेविएशन हो रहा है, पक्का। अब दूसरा केस ये हो सकता है कि डेल्टा वाई इज इक्वल टू जीरो, तो उस समय थीटा क्या होगा, यानी कि डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन, ये जीरो कर देना, डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन, डेविएशन नहीं हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि इंसिडेंट रे और फाइनल जो डिस्पर्जन हो रहा होगा उसमें जो एंगल बन रहा होगा वो क्या होगा, नेट जीरो, यानी ये नंबर जीरो हो जाएगा। तो उस समय थीटा क्या होगा, जब ये जीरो होगा तो उस समय वाई कितना होगा। ये दो चीजें तुम्हें होमवर्क में है, मुझे करके लोग इसका जवाब दें, अच्छे से समझाएं। ये प्रिज्म की एक तरह से थ्योरी का पार्ट तुम्हारा ऑलमोस्ट डन हो गया। कुछ चीज़ें हैं थोड़े बहुत, एक दो ग्राफ वगैरह हैं, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में तुम्हें बता के खत्म करूंगा, ठीक है? तो आज इतना पढ़ लेना, ये दो तुम्हारे लिए होमवर्क है। इसको पढ़ते हैं डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन, बुकलेट में लिखा है, तुम एक बार देखोगे तो सब समझ में आएगा, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा दिया है क्योंकि बुकलेट में सब चीज़ें मैंने मेंशन की। डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन, और ये क्या है, डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन। विदाउट डेविएशन मतलब जो जीरो होता है वो नहीं हो रहा था, तो डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन, और ये क्या है, डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन। सॉरी यार, एक बार सुनना, ये क्या लिखा है, ये लिखा है डेल्टा, यानी कि डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन, इसको क्या बोलेंगे, डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन, इसको क्या बोलेंगे, डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन। अभी तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, पक्का? तो इसमें ये दोनों वैल्यूज निकालनी है और अच्छे से तुम्हें समझना है, ओके? चलो आज इतने रखते हैं, ओके? बाकी नेक्स्ट लेक्चर में ये पूरा खत्म हो जाएगा, इसके क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और जो होमवर्क दिए हैं वो करके मुझे सेंड करना, ओके बेटा? चलो बाय।